नेक्स्ट है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस है जिसमें एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के क्या रखे जाते हैं सेम, या इंटेंसिटी दोनों वेव्स की क्या रखी जाती है सेम। राइट, क्लियर है। इसके अंदर कुछ ट्रिक यूज करते हैं बुक्स वाले भी और वैसे भी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या रूल है। आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने फॉर्मूला बुकलेट के अंदर ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए रूल नंबर वन, ठीक, रूल नंबर वन जो हम कर रहे हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या रखेंगे सेम, ठीक है, सेम है, और इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या रखेंगे सेम। तो आप अपनी कॉपी में डायग्राम बना सकते हो, मैंने जो पहली वेव ली उसकी इंटेंसिटी क्या ली आई नॉट, और दूसरी की भी क्या ली आई नॉट, ठीक है, आई नॉट आई नॉट। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी उसका फॉर्मूला क्या था, आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस टू रूट आई नॉट इन टू कॉस ऑफ फाइव। लास्ट टाइम भी मैंने करवाया था वो वन प्लस कॉस फाइव कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू में, इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने ये करवाया था कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, हमने लास्ट टाइम किया था। मैंने क्या एज्यूम किया, इनकी इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट और आई नॉट है, इंडिविजुअल इंटेंसिटी आई नॉट है, और ये आंसर है। वो पेपर में पूछेगा कि बताओ वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में जो सेंटर पॉइंट है वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, तो सेंटर पॉइंट पर फाइव फेज डिफरेंस क्या होता है जीरो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी बस फोर आई नॉट। वो क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो क्या होगा वन आंसर। तो सेंटर पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी फोर आई नॉट, इसके इक्वल होगी, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर वो ये पूछेगा कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, सबको पता है। तो अब इसमें वेव की इंटेंसिटी आई नॉट है और अगर एम्पलीट्यूड ए है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फोर आई नॉट है कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू है। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फोर टाइम्स आई नॉट की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ फोर ए स्क्वायर। तो ये कई बुक्स डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करती हैं, कई ये यूज करती हैं। आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे यूज कर रही हैं, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब अगली चीज इसमें समझने वाली है, नेक्स्ट चीज है इसमें समझने वाली जो है, इस फॉर्मूले को देखते हुए है ना, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये जो फोर आई नॉट की फिगर है, अगर मेरे को मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू वन आएगी, वन में ये क्या हो जाएगा मैक्स हो जाएगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है फोर आई नॉट जो कि सेंट्रल पॉइंट पे आती है। तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको देखते हुए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। ये स्टेप क्लियर है। कई बार आपकी किताब में न्यूमेरिकल में वो आपको आई नॉट नहीं देता, आपको आई मैक्स दे देता है, तो आपको समझ में आना चाहिए वो फोर आई नॉट की जगह क्या लगा रहा है आई मैक्स लगा रहा है। तो ऐसे लिख लो आई मैक्स लिख लो, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन क्रिएट कैसे करता है वो। आएंगे बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आज भी एक लेक्चर, आज के लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। करें यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो कंफ्यूजन कहां पर होने वाली है, कंफ्यूजन यहां पर कर देगा वो कहेगा कि सपोज करो मेरे पास दो वेव्स हैं, तो इसमें से जो वेव में से ये बनाना प्लीज, इसकी इंटेंसिटी आई और इसकी आई है, जबकि मैंने अपने डायग्राम में क्या ली थी आई नॉट ये कहते हैं, मैं आई नॉट लेता, मैं आई और आई लेता हूँ, तो ठीक है ले लो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोलो क्या आएगी, फोर आई नॉट की जगह क्या जाएगा आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नॉट लेता तो आई नॉट है, आई है तो आई है, लिख लिया। अब बुक्स क्या करती हैं, वो कहती हैं कि इसकी जगह मैं आई मैक्स लिख सकता हूँ। बुक्स क्या करती हैं, आई मैक्स को आई नॉट से रिप्रेजेंट कर देती हैं। तो कई बार इसकी जगह क्या लिख लेती हैं
आई नॉट, लेकिन मेंशन करती हैं हेयर आई नॉट क्या है, आई नॉट इज फोर टाइम्स आई, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब जो स्टूडेंट ने ये पढ़ा नहीं हुआ, जिसको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, वो सबसे पहला जब न्यूमेरिकल करेगा बुक जाके, वो फटाफट डाउट लेके आएगा कि सर लगता है फॉर्मूला गलत करवा दिया आपने, आपने मुझे करवाया था 4i0 cos² 5/2 और किताब क्या यूज़ कर रही है i0 into cos² 5/2, 4 कैरेक्टर कहाँ गया। तो मैं उसको ये समझाऊंगा, देख जो किताब यूज़ कर रही है i0 cos² 5/2, ध्यान से देख, वो इंटेंसिटी i0 नहीं ले रही, वो आई और आई ले रही है, और 4i को रिप्लेस कर रही है i0, लेकिन मैं क्या यूज़ कर रहा था i0, और देखो वही किताब आधे क्वेश्चन में i0 इंडिविजुअल लेगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आएगी 4i0। यहाँ वो कन्फ्यूज कर सकती है, पर आप ध्यान से देखना कि अगर वो मैक्सिमम इंटेंसिटी i0 ले रही है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर i0 ले रही है तो i0 यहाँ पर 4i के इक्वल लेगी। तो समझ में आ रहा है कि आपको ये फॉर्मूला, यानी कि गलत नहीं है फॉर्मूला, मेरा भी गलत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स लिखती है i0 लिखती है। ठीक है, यहाँ तक तो रूल समझ में आ रहा है कि कैसे ये फॉर्मूला यूज होने वाले हैं इसमें। तो सस्टेंड इंटरफेरेंस में ये फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है जो मैंने बता दिया आपको, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला न्यूमेरिकल में कैसे काम करेगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक।